उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की खबर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें यूपी ग्राम प्रधान आरक्षण सूची को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए जानते हैं यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने जारी किया नोटिस। जानिए क्या है नया आदेश। तो चलिए जानते हैं कि यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची से किन किन उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव में परसीमन और मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद अब आरक्षण को लेकर गहमागहमी मची हुई है। हालांकि इटावा में अभी आरक्षण फाइनल होने में काफी देरी है क्योंकि अभी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। फिर भी ये माना जा रहा है कि जिले में ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को लेकर कई प्रमुख सीटों के आरक्षण की स्थिति बदल जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। इसी बीच पंचायती राज विभाग ने आरक्षण को लेकर चुप्पी साध ली है और कार्यालय की दीवारों पर ये आशय का नोटिस चिपका कर दिया है कि अभी आरक्षण के बारे में कोई पूछताछ न करे। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां तो काफी पहले शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी सरकार ने आरक्षण की कवायद शुरू नहीं की है। अब हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक आरक्षण कर लेने के लिए कहा है। इसके बाद आरक्षण को लेकर गहमागहमी मची हुई है। आपको बता दें अभी तक तो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के उन पदों को सबसे पहले ISC के लिए आरक्षित किया जाएगा जो अभी तक इस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुए हैं। जिले में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य का एक एक ऐसा पद है जो कभी भी ISC के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। उस हिसाब से इन पदों का आरक्षित होना तय है। इसके साथ ही जिले की 471 ग्राम पंचायतों में से लगभग आधी ग्राम पंचायतें भी आरक्षित होनी है। इनमें भी स्थिति बहुत बदल जाएगी। प्रधानी के कई दावेदार जो अभी तैयारी कर रहे हैं आरक्षण बदला तो वे चुनाव मैदान में नहीं उतर पाएंगे। यही कारण है कि जिसके चलते प्रधान जी और प्रधानी के दावेदार परेशान हैं। BDC और जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। इसी बीच आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि ग्राम पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक करा लिए जाएं ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके। 15 मई तक ही जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों को चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य 17 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले मई में चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। विनोद उपाध्याय की याचिका पर न्यायमूर्ति MN भंडारी और न्यायमूर्ति RR अग्रवाल की पीठ ने ये आदेश दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस बार 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक, आपको बता दें 58,194 ग्राम पंचायत, 3,051 जिला पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,71,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस तरह कुल 8,69,814 जन प्रतिनिधि चुने जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायत राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकायों के सीमा विस्तार या नए निकायों के गठन से ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई है। गौरतलब है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परसीमन काफी दिनों से चल रहा था। पूर्ण परसीमन 4 जिलों गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संबल और गोड़ा में हुआ है। इनमें वर्ष 2015 में परसीमन नहीं हो पाया था, जबकि जिन जिलों में नए नगरीय निकायों का गठन हुआ है या नगरीय निकायों का सीमा विस्तार हुआ है उनमें आंशिक परसीमन कराया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परसीमन का कार्य पूरा करके अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।